देर शाम बाजार दियां भीड़ियां गलियां च मौके वारदात पहुंच गहराई नाल तफ्तीश कर रही पुलिस। इत्थे कुछ समा पहला ही महज 4 मिनटां दे अंदर अंदर ही जिस वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया उस नूं देख पूरे बाजार दे नाल नाल पुलिस वाले भी हैरान हो रहे ने। इस वड्डी वारदात की सारी घटना CCTV कैमरियां च कैद हो के रह गई है। CCTV वीडियो च साफ साफ वेख्या जा सकता है कि दो नौजवान पैदल तुरदे हुए आउंदे ने ते एक दफ्तर के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही सेकेंटा बाद उन्हां दा तीजा साथी भी मोटरसाइकिल ते आउंदा ते वह भी दफ्तर के अंदर चला जाता है। फिर पिस्तौलों की नोक ते तिने जने दफ्तर के अंदर बैठे दो व्यक्तियों के नाल मार कुट करते ने ते धक्के नाल उन्हां नूं एक साइड ते लै जांदे ने। मामला है लुधियाना दा, जिथे शहर दे एक पुराने बाजार केसरगंज मंडी च अरोड़ा एंड कंपनी नां दी फर्म है जिसका तेल दा थोक दा कारोबार है। सूत्रां दे मुताबक 3-4 दिनां दी इकट्ठी कीती नगदी पई हुई सी। बीते दिन शाम तकरीबन 7 बजे दे करीब फर्म दे मुलाजम दफ्तर च बैठे कम कर रहे सन। इन्ने नूं मोटरसाइकिल ते सवार 3 लुटेरे आउंदे ने ते पिस्तौलां दी नोक ते वड्डी लुट करके फरार हो जांदे ने। तेल दा काम हैगा जिहड़ा वेजिटेबल ऑयल दा, ते उहनां दा इक वर्कर सीगा उह इत्थे सीगा जी, ते जिहने दस्सिया वी करीब जिहड़ा हैगा 7 बजे जिहड़ा हैगा वी 3 बंदे आए ने, जिहनां कोल दस्सण मुताबिक वैपन वी सीगा इक, ते उहदे नाल जिहड़ी हैगी आ तों लुट करके जिहड़े चले गए सीगे जी। बाकी अपने सीनियर ऑफिसर आप सारे इतने मौके पर आए हुए हैं, साड़ी सारी टीम फोरेंसिक टीम जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने सारे इतने मौके पर आए हुए हैं, तो बाकी अपन जो भी है सारा वेरीफाई कर रहे हैं। जो ओनर थे क्योंकि वारदात वे ओनर इतने दुकान हाजिर नहीं थे, काफी क्लोजिंग करके काफी दिन कलेक्शन हुई सी, सो आप भी जो अमाउंट बारे हाले क्लीयर नहीं ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਹਲੇ ਉਹ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ FIR ਸਰ ਵੈਪਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।